पहले कानसेन फिर तानसेन, ये कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी। सब कहते हैं संगीत में कि पहले कानसेन बनो, यानी कान से तेज बनो, कान परफेक्ट करो, फिर तानसेन बनो, यानी फिर गला अपना तैयार समझो, है ना। तो इस कहावत का क्या मतलब है, और क्या वाकई संगीतकार के कान तेज होने चाहिए या गला अच्छा होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपके ख्याल से, क्या होना चाहिए, है ना। तो आइए हम थोड़ी चर्चा करते हैं, मैं कुछ अपने विचार रखूंगा और आप अपने मन में सोचें कि आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक पर, और आपको क्या लगता है कि मेरे विचार कहाँ तक सही हैं, है ना। तो पूरा वीडियो देखिए और जानिए कि कान मजबूत होने चाहिए या गला अच्छा होना चाहिए, या दोनों ही जरूरी हैं। देखते हैं आगे, जानते हैं, है ना, पूरा वीडियो देखिए। घर बैठे निःशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैनपुरी म्यूजिक स्कूल, उत्तर प्रदेश। अगर आप चाहते हैं पंडित अवध किशोर पांडे, SPW के फाउंडर डायरेक्टर से म्यूजिक सीखना, उनके पास बैठकर क्लास लेना, तो अभी कांटेक्ट कीजिए इन नंबर्स पर और जानिए कि क्या है एडमिशन प्रोसेस। व्हाट्सएप क्लास भी अवेलेबल है। कोई मेरा मौन बोलता है, जो कह सका न कोई मेरा मौन बोलता है। मैं बोल नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकता, ये कौन बोलता है जो कह सका न कोई। तो आइए जानते हैं कि कान तेज होने चाहिए या गला अच्छा होना चाहिए। छोटी सी सिंपल सी बात बताऊंगा मैं आपको कि क्यों कहते हैं कि पहले कानसेन और बाद में तानसेन। क्योंकि हम जब सीखते हैं संगीत, तो हम ये सभी जानते हैं कि हम परमानेंट तो गुरुजी के साथ रह नहीं सकते, परमानेंट हम उनके साथ नहीं रह सकते जो हमें बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, जाहिर बात है। तो हम ज़्यादातर अपने साथ रहते हैं, है ना, और अपने गुरु हम खुद होते हैं, अपनी गलतियां हम खुद पहचानते हैं। कैसे पहचानेंगे अगर कान ही तेज़ नहीं है हमारे, हमें मालूम ही नहीं चल रहा है कि हमारा स्वर गलत लग रहा है। तो स्वर की पहचान पहले दिमाग को होती है, तब जाके वो गले से निकलता है, है ना। गला तो एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको घिसना पड़ता है, है ना। एक बार स्वर लग गया तो बार 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 उसको लगाकर इस गले में वो बिठाना पड़ता है। लेकिन स्वर लगेगा कैसे जब तक वो दिमाग में ही नहीं है, और दिमाग में जाएगा कैसे जब तक आपने सुना ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि लिसनिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन म्यूज़िक, है ना। वैसे तो सभी फील्ड में जाहिर बात है ज़रूरी है सुनना, है ना। बिना सुने अगर आप कोई बात बोलेंगे तो खामखा झगड़ा और बढ़ेगा ही ना, है ना। तो वही वाली बात है कि बिना सुने आप नहीं कुछ कर सकते, मगर संगीत में तो कान को ज़्यादा ही अहमियत रखते हैं। कि अगर आपने वो स्वर सुना ही नहीं, है ना, वो लय सुनी ही नहीं, तो आप महसूस कर ही नहीं पाए उसको, अंदर बसी ही नहीं, तो दिमाग तक पहुंची नहीं, और कान से दिमाग तक गई नहीं तो गले से तो क्या ही निकलेगी, है ना। वो जो कोऑर्डिनेशन है दिमाग का और कान का और गले का, वो फिर बैठता ही नहीं है, है ना। तो वो कैसे बैठेगा जब तक आप अच्छे से सुनते नहीं हैं। तो कान मजबूत होना ज़रूरी है, अच्छा सुनना ज़रूरी है, अच्छे संगीतकारों को सुनना ज़रूरी है, उस माहौल में रहना ज़रूरी है, है ना। इसीलिए कहते हैं कि जब आपको गाने जा रहे हो तो तानपुरा जो है पहले सुनो, बाद में स्वर लगाओ, है ना। लय अगर चल रही है तो टेम्पो जो मेट्रोनोम चल रहा है या फिर जिसने लय दी है उसको पहले सुनो, फिर लय लगाओ, ताकि सुन के वो दिमाग में रजिस्टर हो, और तब जाके आप अगर गाओ बजाओ या कुछ भी करो नाचो, तो वो परफेक्ट उसी लय उसी स्वर उसी ताल में होगा, है ना। तो कान ज़्यादा ज़रूरी हैं जहाँ तक मेरा मानना है। क्यों, एक और पॉइंट देता हूँ, ज़िंदगी भर गला साथ नहीं देता है, है ना। आप एक उम्र आने के बाद गाना आपका मुमकिन नहीं हो पाता है। बड़े बड़े संगीतकार हैं हमारे, बड़े बड़े कलाकार हैं, वो गा नहीं पाते। लेकिन फिर अगर वो किसी को अपनी विद्या देना चाहें, सिखाना चाहें, या कुछ सुनकर पहचानना चाहें, अपनी राय देना चाहें, तो कैसे देंगे। उनके कान हमेशा तेज़ होते हैं, उनका दिमाग जो है उसमें संगीत उतना ही ताज़ा होता है, इसीलिए उसको मजबूत करना ज़्यादा ज़रूरी है। कई ऐसे श्रोतागण मुझे मिलते हैं जो खुद संगीत में इतना नहीं है, कुछ नहीं किया, लेकिन उनके कान इतने तेज़ हैं, वो परफेक्टली पहचान सकते हैं ये सुर में था कि नहीं था। वो खुद सुर में नहीं गा सकते, मगर
सुर पहचान सकते हैं। तो कान इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कान दिमाग से रिलेटेड है, जाहिर बात है। मैंने हमेशा कहा है कि दिमाग का और गले का दोनों का बैलेंस अगर हो, तब जाके एक अच्छा संगीतकार निकल पाता है। अगर आपके दिमाग में जो है, जो आप करना चाहते हो, वो आपके गले ने कर दिया, तो फिर बाकमाल चीज़ होगी, है ना। कि आपने सोचा तो है यार ऐसी तान जाए या ऐसी हरकत जाए या ये कंपोजिशन ऐसी हो जाए, ये लाइन में ऐसी गा दूँ, लेकिन गले से नहीं निकल रही, क्योंकि रियाज ही नहीं है ना, तो कैसे मुमकिन होगा, है ना। और गला तो बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन दिमाग कंट्रोल नहीं कर सकता चीज़ों को, लय भाग जा रही है, भागी जा रही है, दिमाग में वो पावर ही नहीं है कि वो लय को काबू कर सके। या गाना बहुत बढ़िया आ रहा है, बहुत हरकतें बहुत सारी ले रहे हो, लेकिन दिमाग में वो काबू ही नहीं है कि वो गाने को खूबसूरती देने के लिए कितना कहाँ देना है, कौन सी हरकत कहाँ लगानी है, वो पता कर सके। तो बैलेंस नहीं है तो कैसे मुमकिन होगा, है ना। तो वो मुमकिन तभी होगा जब बैलेंस बैठेगा। और इसीलिए कहते हैं कि कान मजबूत करो, ताकि इन फ्यूचर अगर गाना नहीं गा पाओ, है ना, कुछ गा नहीं पाओ, कुछ बजा नहीं, जाहिर बात है ना, आप तबला नहीं बजाते हैं, लेकिन तबले की नॉलेज है, आपके कान पहचान सकते हैं कि यार उसकी चांट जो है वो बराबर लगी है कि नहीं लगी है, या उसके तिट का साउंड कैसा है, या त्रक उसने बराबर बजाया कि नहीं बजाया। सितार में क्या हो रहा है, आपको बजाना थोड़ी आता है, लेकिन सुर की पहचान है। कान तेज है, हाथ नहीं चलता है सितार पर, कर कान तो है, कान पहचान के बता सकते हैं स्वर लगा कि नहीं लगा। तो इसीलिए पहले कान सेन फिर तान सेन, कान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गला अच्छा हो बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन आप ये समझ लें कि गला एक हद तक ही चलेगा, उसके बाद आप गा नहीं पाएंगे, जाहिर बात है, फिजिकल ह्यूमन बॉडी है। लेकिन कान जो है, ठीक है, मान सकते हैं कि एक उम्र आने के बाद सुनाई भी कम देना शुरू हो जाता है, मगर एक पहचान जो है स्वर की, वो नहीं ख़त्म होती है, वो धीरे धीरे, वो बहुत कम टाइम बाद ख़त्म होती है, मैं ये भी मानता हूँ, है ना, वो होती है ख़त्म, ये भी मान सकते हैं, क्योंकि जाहिर बात है शरीर है। अगर मैं गले की बात कर रहा हूँ तो कान भी शरीर का ही हिस्सा है, वो भी एक नए वक्त पर काम करना बंद करेगा, है ना। लेकिन पहचान जो है वो बंद नहीं होगी, पहचान आपको तब भी अच्छी ही रहेगी बनिस्बत की दूसरे लोगों से, है ना। तो कान मजबूत करें, अच्छा सुनें और अच्छे संगीत में रहें, है ना, और रियाज तो करना ही है, तो बैलेंस बना रहेगा और कान तेज हो जाएंगे, ठीक है। तो कान सेन फिर तान सेन, ठीक है। देखते रहें संगीत प्रो वर्ल्ड का चैनल ऐसे ही, और मैं कुछ कुछ ऐसे नए नए टॉपिक्स आप ही के सवाल लाता रहूँगा। शुक्रिया।